नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, चुनावी बिगुल बज जाने के बाद जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर रही हैं। टिकट वितरण संघर्ष में साथियों को जेजेपी ने तरहीज दी है। 15 उम्मीदवार घोषित भी किए जा चुके हैं। जननायक जनता पार्टी की दूसरी सूची में घोषित 15 उम्मीदवारों का इस प्रकार से परिचय है। भाग सिंह दमदमा, जिसको टिकट दी गई है, जो पंचकुला के ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं, जेजेपी के गठन से पहले वे भाजपा में थे। वहीं राडौरा सीट पर कुसुम शेरवाल को उतारा गया है, जिन्होंने 2015 में अंबाला सीट पर लोकसभा चुनाव का इनेलो की टिकट पर लड़ा था। इसके अलावा रादौर सीट पर पार्टी ने वरिष्ठ नेता मांगेराम को उतारा है, जो लंबे समय से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथ रहे। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र जिले के पिहोआ सीट पर, तो जेजेपी ने अजय सिंह चौटाला के पुराने साथी प्रोफेसर रणधीर सिंह को टिकट दी है, जो कि कई सालों तक पार्टी के छात्र इकाई इनसो के प्रभारी रहे। कैथल जिले की पुंडरी सीट पर राजेश ढूल को टिकट दी गई है, जो कि पुंडरी में युवा हलका अध्यक्ष हैं। करनाल जिले की बात करें तो वहां नीलोखेड़ी सीट पर वाल्मीकि समाज के भीम सिंह जलाला को उतारा गया है, जो लंबे समय तक अजय सिंह चौटाला से जुड़े रहे हैं। वहीं इंद्री सीट पर गुरुदेव रंभा को उतारा गया है, जो कि इनेलो से करनाल जिले के युवा प्रधान रहे। इसके अलावा सोनीपत सीट पर गोहाना सीट पर कुलदीप मलिक को प्रत्याशी बनाया गया, जो कि सोनीपत जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं और इनेलो के युवा जिलाध्यक्ष भी। इसके अलावा झज्जर जिले की 3 सीटों पर भी जेजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिनमें बहादुरगढ़ से वहां के हलका अध्यक्ष संजय दलाल और बेरी सीट से युवा नेता उपेंद्र कादियान को शामिल किया गया है। बादली सीट पर संजय कबलाना जेजेपी के प्रत्याशी होंगे, तो बादली सीट पर ही भाजपा की टिकट में चुनाव भी लड़ चुके हैं। नागल चौधरी से पार्टी के पूर्व विधायक मुला राम को टिकट दी गई है, जो गुर्जर समाज से आते हैं। नू सीट पर जेजेपी के इंजीनियर तैयब हुसैन घासेड़िया को उतारा गया है, जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियर के पद पर काम कर चुके हैं। तैयब हुसैन को 2009 में नूह विधानसभा सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। वहीं फरीदाबाद सीट पर कुलदीप तेवरिया को जेजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सिरसा सीट पर जेजेपी के राजेंद्र गनेरीवाला को प्रत्याशी बनाया गया है, जो अग्रवाल समाज के हैं। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट।